में ऐसा जगह पर हो, बीच बाजार में ना हो, कोई ना ऐसा सुनसानी जगह पर हो या अकेलेपन अकेले में हो, तो ऐसा जगह कुछ चिन्हित। अजी साहब, बैंक में मुख्यालय पर चोरी हुई थी, क्या मामला था और कैसे गिरफ्तारी, कितने लोग पकड़े गए, पूरी जानकारी दी। ये 30-31 जनवरी को ये हमारा चंदौली कस्बे में इंडियन बैंक का 38 लाख का फोड़ के उसके अंदर जितने जेवरात है, सारे जेवरात और 1.5 लाख रुपया का जो पैसा, ये सब लूट के भाग गया था। और उसके बाद फिर एसपी चंदौली और एडीजी साहब और हम, मैं स्वयं, हम लोग जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया, देखा गया तो उसमें जो है पीछे जो बैंक का पीछे की तरफ पूरा जंगल के टाइप का था, वो पूरा बंजर ज़मीन थी, वहाँ कोई आबादी नहीं है। और पीछे की तरफ ये खिड़की है, उस खिड़की का सारे ग्रिल काट के अंदर प्रवेश किया। फिर उसके अंदर आने पर जो है एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा को तोड़ दिया। फिर वहाँ जितने सीसी कैमरा है, सारे सीसी कैमरा को डिस्कनेक्ट कर दिया। और ये जो लॉकर का जो मेन डोर है, जो वो उस मेन डोर का जो लॉकर वाला जो पॉइंट्स को उन्होंने गैस कटर से पूरा काट के अंदर प्रवेश करके ये 38 लॉकर को तोड़ दिया था। तो इस प्रकार एक गैंग ऑपरेट किया। तो फिर हमने पूरा जानकारी किया, वहाँ का सारे कौन कौन रुके थे आसपास के इलाकों में पूरा जानकारी किया। और एसपी चंदौली के द्वारा 5 टीमें इसमें गठित किया। फिर पांचों टीमों से हम बराबर बात करते रहे। एक टीम को कानपुर भेजा गया था, क्योंकि पूर्व में भी इस प्रकार की घटना 2018 में कानपुर में हुआ। फिर एक घटना जो है 2018 में प्रयागराज में हुआ। फिर नैनी जेल में एक अभी भी ये 2 अभियुक्त अभी भी बंद है। उन अभियुक्तों से पूछताछ के लिए एक टीम हमने जेल अधीक्षक से बात करके वहाँ भी भेजा गया था। तो इस प्रकार पर चारों ओर से हम लोग जानकारी हासिल किया। तब ये जानकारी मिली है, ये झारखंड का एक बड़ी गैंग है, वो ये लॉकरों पर और इस तरीके से जो है ये लॉकर तोड़ के गैस कटर से ये अपराध कर रहे हैं। तो एसपी चंदौली के द्वारा 3 टीमें रवाना किया गया था, एक रांची की तरफ गई, एक जो है झारखंड में भेजा गया था, और ये साहेबगंज और राजमहल थाना एरिया में काफ़ी ये लोग जानकारी हासिल किया। फिर पूरा जानकारी हासिल करने के बाद फिर एक टीमें जो है फिर दबिश देना शुरू किया। दबिश के दौरान कल रात को कुल 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, अभी 5 फरार है। और ये 8 अभियुक्तों से सोना का ज्वेलरी बरामद हुआ और कुछ काट के अंदर प्रवेश किया। फिर उसके अंदर आने पर जो है एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा को तोड़ दिया। फिर वहाँ जितने सीसी कैमरा है, सारे सीसी कैमरा को डिस्कनेक्ट कर दिया। और ये जो लॉकर का जो मेन डोर है, जो वो उस मेन डोर का जो लॉकर वाला जो पॉइंट्स को उन्होंने गैस कटर से पूरा काट के अंदर प्रवेश करके ये 38 लॉकर को तोड़ दिया। तो इस प्रकार ये गैंग ऑपरेट किया। तो फिर हमने पूरा जानकारी किया, वहाँ का सारे कौन कौन रुके थे आसपास के इलाकों में पूरा जानकारी किया। और एसपी चंदौली के द्वारा 5 टीमें इसमें गठित किया। फिर पांचों टीमों से हम बराबर बात करते रहे। एक टीम को कानपुर भेजा गया था, क्योंकि पूर्व में भी इस प्रकार की घटना 2018 में कानपुर में हुआ। फिर एक घटना जो है 2018 में प्रयागराज में हुआ। फिर नैनी जेल में एक अभी भी ये 2 अभियुक्त अभी भी बंद है। उन अभियुक्तों से पूछताछ के लिए एक टीम तो चारों ओर से हम लोग जानकारी हासिल किया। तब ये जानकारी मिली है, ये झारखंड का एक बड़ी गैंग है, वो ये लॉकरों पर और इस तरीके से जो है ये लॉकर तोड़ के गैस कटर से ये अपराध कर रहे हैं। तो एसपी चंदौली के द्वारा 3 टीमें रवाना किया गया था, एक रांची की तरफ गई, एक जो है झारखंड में भेजा गया था, और ये साहेबगंज और राजमहल थाना एरिया में काफ़ी ये लोग जानकारी हासिल किया। फिर पूरा जानकारी हासिल करने के बाद फिर एक टीमें जो है फिर दबिश देना शुरू किया। दबिश के दौरान कल रात को कुल 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, अभी 5 फरार है। और ये 8 अभियुक्तों से सोना का ज्वेलरी बरामद हुआ और कुछ चांदी का
जोर भी बरामद हुआ और 15 लाख रुपया का कैश भी बरामद हुआ। तो ये बरामदगी के साथ ये जो है जो लॉकर का हमारा लॉकर से जो लूटी गई है वो ज्वेलरी जो है ये लोग सारे पूछताछ की गई थी इन लोगों से, ये सारे घटनाक्रम के बारे में ये लोग बता रहे हैं। तो इनका कथनानुसार ये है 3 जनवरी को ये लोग पड़ाव जो हमारा जनपद चंदौली का पड़ाव में आके एक कमरा लेके वहाँ रुके थे और रुके फिर जो है छोटे खिलौना बेचने वाला जैसा ये एक्ट करते हुए बैंकों का रिकी करना शुरू किया। तो कुछ जो है इनके द्वारा ये भी जानकारी की गई है, तो इन लोग का कहना यह है जौनपुर में भी इन लोग के द्वारा यहाँ इंडियन बैंक का आसपास में ये लोग खिलौना बेचने वाला जैसे इधर उधर घूमते टहलते इस बैंक का पूरा जानकारी हासिल किया। फिर इसके बाद घटना का एक दिन पहले मतलब 29 जनवरी को